फ्रेंड, चौथा ट्रेंड यानी कंपेशन, कंपेशन फॉर एनवायरमेंट। ये ट्रेंड ही नहीं है बल्कि हमारे समय की प्रमुख आवश्यकता भी बन गई है। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव और क्लीन ऊर्जा का महत्व इतने व्यापक है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले सालों में हमारा एनर्जी कंजम्पशन का पैटर्न और बदलेगा। कोल से ऑयल और ऑयल से गैस और फिर रिन्यूएबल्स की तरफ झुकाव बढ़ता जाएगा। ऊर्जा की खपत और ऊर्जा की बचत दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे और स्टोरेज भी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की चुनौतियां भी बढ़ती जाएगी। इसी को समझते हुए भारत में हम गैस और ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी मात्रा में निवेश बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2024 तक हमारा रिफाइनिंग पाइपलाइंस और गैस टर्मिनल्स में 100 बिलियन डॉलर तक के निवेश का लक्ष्य है। मुझे खुशी है कि सऊदी अरामको भारत में वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जो एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी, उसमें निवेश करने का निर्णय लिया है। हमने हाल ही में डाउनस्ट्रीम सेक्टर में खास करके रिटेलिंग में निवेश के नॉर्म्स को लिबरलाइज किया है, जिससे इस क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ेगा। इसके अलावा हमने रिन्यूएबल्स में 175 गीगावाट ऊर्जा पैदा करने का जो लक्ष्य रखा था, उसे भी आने वाले वर्षों में बढ़ाकर 450 गीगावाट तक ले जाने का तय किया है। भारत की तेज गति से बढ़ती इकोनॉमी के लिए ऊर्जा में निवेश बहुत जरूरी है और हम यहां मौजूद एनर्जी कंपनीज से इन अवसरों का लाभ उठाने का अनुरोध करते हैं।